हे एवरीवन, वेलकम टू स्पिल बी। आज हम बात करेंगे इंडियन टीवी सीरियल्स के बारे में। लाइक टू बी ऑनेस्ट, आर सीरियल्स आर रियली एपिक। इट इज़ फुल ऑफ सस्पेंस, ड्रामा, नेक्स्ट लेवल वीएफएक्स एंड व्हाट नॉट। लाइक अभी जब मैं टीवी देख रही थी ना, तब आई केम अक्रॉस अ प्रोमो ऑफ सीरियल कॉल्ड सिर्फ तुम। सिर्फ मेरे लिए बने हो, घर में सब वेट कर रहे होंगे। प्रॉब्लम इस है कि बात खाना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान दो, तुम सब अपने दिल की बात कर रहे हो। देखो सॉरी, तुम्हें मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। हर चीज के दायरे होते हैं। मैं नहीं मानता किसी दायरे को। अगर मैं किसी को मानता हूँ तो वो हो। सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। I don't understand ki why this TV series people have this obsession of showing how women are scared and underconfident all the time. Like, have they ever met an actual woman? We don't speak like that. And galti se hum pe koi chilla de, hamara aisa to bilkul reaction nahi hota. तो ये जो सीरियल है सिर्फ तुम, उसका स्टोरी लाइन ऐसा लग रहा है वो मोस्टली टॉक्सिक लव स्टोरी के अराउंड होगा। स्टिल बिकॉज इसमें विवियन है, तो आई विल गिव इट अ बेनिफिट ऑफ डाउट एंड गो थ्रू फ्यू एपिसोड्स, बिकॉज आई जस्ट लव्ड हिम इन प्यार की एक कहानी, आवर वेरी ओन इंडियन वैम्पायर। और वो सीरियल एक्चुअल में कुछ डिफरेंट था। देन आफ्टर दिस शो ना, और एक शो का प्रोमो आई सॉ एंड दैट वॉज हैंड्स डाउन पैथेटिक। मुझे बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव लगा उसका डायलॉग। इस सीरियल में ना एक लड़की है हु स्टैमर्स, एंड वी ऑल नो स्टैमरिंग इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जिसमें एक पर्सन को कंप्लीट सेंटेंस बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो इट इज अ कंडीशन, इनवॉलेंट्री होता है, कोई जान पूछ के अटक अटक के क्यों बोलेगा। बट दिस सीरियल ना कम्प्लीटली मेड फन ऑफ दोज पीपल हु हैव दिस कंडीशन। लाइक ये लड़की की सास को ना स्टैमरिंग प्रॉब्लम वाले लोगों के बारे में क्या लगता है, यू ओनली सी। और तुम जानती हो लोग अटक अटक कर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके मन में चोर होता है अंदर। This is what happens when you miss your science का lecture. Like, who is the writer of this show and what is this logic? अटक अटक के बोलने वाले लोग झूठ बोलते हैं। सोचो अगर कोई ये देख रहा है, किसको stammering के problem के बारे में पता नहीं होगा, वो person तो यही सोचेगा ना कि अटक अटक के जो लोग बोलते हैं they are lying, इसलिए they do like this. Because ये serial उनको ये बता रहा है। एंड ये सिचुएशन में वी कांट ब्लेम एक्टर्स कि उन्होंने ये डायलॉग क्यों बोला, बिकॉज उनको काम करना पड़ता है। इफ दे से नो ना, तो आराम से प्रोड्यूसर्स विल रिप्लेस देम। तो यहाँ गलती किसकी है? तो आई वुड से हूएवर इज इन चार्ज ऑफ द स्टोरी लाइन एंड स्क्रिप्ट, ही इज एट फॉल्ट। दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वर्ल्ड इज चेंजिंग, स्टॉप मेकिंग सच ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स। एंड देन वी आस्क कि क्यों इंडियन ड्रामास या फिल्म्स को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर रिकॉग्निशन नहीं मिलता। कैसे मिलेगा? हैव यू एवर सीन इंटरनेशनल सीरीज? दे आर नेक्स्ट लेवल, हम लोग उसके आसपास भी नहीं है। 100 में से एक अच्छी मूवी हम बना लेते हैं, देन वी एक्सपेक्ट कि वो मूवी के बेसिस पे हमें ऑस्कर मिले। हाउ इज दैट पॉसिबल? अभी के एरा में जो हम लोग मूवीज या सीरियल्स बना रहे हैं या कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी हॉलीवुड का 2010 के एरा में बना के हो गया है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग हम लोग ये एरिया में कितना लैक कर रहे हैं? एंड ये सब देखने के बाद ना, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट नाउ वी हैव डिफरेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ हम अपने पसंद के जॉनरा देख सकते हैं। अदरवाइज थिंक अबाउट 90s एंड 2000 का एरा, सास भी कभी बहू थी, यही उनके पास एक ऑप्शन था। इतने सीरियल्स तभी बनते भी नहीं थे, एंड जो बनते थे उनकी प्रोड्यूसर ये होती थी, तो सब में सास बहू का ड्रामा ही चलता था। एंड आई रियली फील सैड फॉर दोज पीपल कि उनके पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। एंड फॉर सम रीजन ना, मेरे घर वालों को ये क्रेज नहीं था कभी सास भी कभी बहू देखने का। यू नो व्हाट दे यूज्ड टू वॉच व्हेन आई वाज अ किड? आहट। कौन देखता है आर्ट छोटे बच्चों के सामने? आई यूज टू बी सो स्केर्ड ऑफ दैट सीरियल। किसका भी आंख चमकता था, जंप स्केयर्स एंड ऑल, आई कुडंट स्लीप। तभी डिनर के वक्त ना आर्ट वाज द शो विच दे यूज टू वॉच, एंड आई यूज टू टेक अ ब्लैंकेट एंड बी इनसाइड इट। एंड जब आई यूज टू टेल देम कि मुझे डर लग रहा है, प्लीज चेंज इट, यू नो व्हाट रिप्लाई दे गेव मी? अभी एंडिंग आएगा, वो देखने दे, तब तक गो इनसाइड एंड स्लीप। या स्लीप एक्सपेक्टिंग मी टू स्लीप अलोन इन अनदर रूम व्हेन आई एम ऑलरेडी सो स्केर्ड, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई एम सो प्राउड ऑफ देम। आई फील आर्ट इज एनी डे बेटर देन सास बहु वाला थिंग। कुडोस टू देम फॉर चूजिंग दैट। सो नाउ कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ये सब के बाद मैंने और भी कई सीरियल्स देखे, एंड एक सीरियल का नाम था पिंजरा खूबसूरती का। I have already spoken about this serial many times. This serial is sick, no logic. इस सीरियल में ना एक लड़का लड़की होते हैं, they are married, and ये जो हस्बैंड है, he is very possessive about his wife because of her खूबसूरती। And फिर क्या है, ये लड़का उस लड़की का फेस खराब कर देता है। अभी ये सिनेरियो में एक नॉर्मल वाइफ क्या करेगी? Will file a case and punish her husband. But no, in the serial after all this also, this woman falls in love with this gentleman. No doubt अभी के ये जो सीरियल्स है, ये सब की वजह से ज्यादा नहीं चलते। और हाँ, अभी VFX का भी बात कर ही लेते हैं। आर सीरियल्स हैव नेक्स्ट लेवल VFX। आप लोग यहाँ सोचते होंगे कि ये सब कौन देखता है, बट ट्रस्ट मी, देर आर मेनी पीपल हु आर ऑब्सेस्ड विद द सीरियल्स। आई पर्सनली नो सम पीपल हु यूज्ड टू डिस्कस स्टफ लाइक, नाउ गोपी विल टेल द ट्रूथ इन नेक्स्ट एपिसोड, हर हस्बैंड इज कमिंग बैक एंड ऑल दैट। एंड एक्चुअली दीज सीरियल्स हैव टेकन अ साइकोलॉजिकल टोल ऑन देम।
कुछ छोटी सी बात भी होगी ना तो दे विल मेक अ बिग इशू आउट ऑफ इट. दे डाउट पीपल अ लॉट. लाइक मजाक में भी कुछ स्टेटमेंट अगर आपने बोल दिया तो दे थिंक इट इज फॉर देम एंड दे ऑल्सो थिंक दैट अदर पर्सन इज ट्राइंग टू इंसल्ट देम, जबकि इट इज जस्ट अ जोक. एंड आई एम नॉट किडिंग, आई हैव सीन दिस बिहेवियर एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो जस्ट उनकी पर्सनैलिटी हो, बट कंटिन्यूअसली वॉचिंग सच नेगेटिव स्टफ ऑल्सो अफेक्ट्स द वे यू थिंक. एंड वन मोर थिंग, वॉट इज दिस धूम ताना ना 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 बैकग्राउंड म्यूजिक? लाइक कोई नॉर्मल पर्सन दरवाजे से एंटर करता है तो धूम ताना ना ना बच जाता है एंड सबकी मुंडी ऐसे घूमती है पता नहीं विच क्रिएचर हैज एंटर्ड. लाइक व्हेन आई एंटर माय हाउस ना, नो वन गिव्स टू एफ्स अबाउट मी अपार्ट फ्रॉम माय बेड. किसका मुंडी नहीं घूमता एंड दैट इज सो डिसरेस्पेक्टफुल. व्हाई कांट दे बी ड्रामेटिक? व्हाई कांट दे बी एक्स्ट्रा? एन एपिक थिंग हियर इज कि वी आर सो एक्स्ट्रा कि हमारे सीरियल्स में नेचुरल का एंड भी नहीं होता. हैव यू एवर सीन इंटरनेशनल सीरीज? सुबह नींद से जब वो उठते हैं तब वो लोग कुछ ऐसे दिखते हैं. एंड कभी हमारे यहाँ वालों को देखना, नींद से उठते ही मेकअप, गहना, हेयर परफेक्ट, लिप्स परफेक्ट, स्किन परफेक्ट. दैट्स कॉल्ड नेचुरल ब्यूटी. इवन दो अभी ये सब हमें फनी लग रहा है एंड वी आर बींग सार्कास्टिक अबाउट ऑल दिस, बट इट इज एक्चुअली सैड. लाइक वाई कांट आर इंडस्ट्री प्रोड्यूस मास्टर पीसेस? देर आर हार्डली फ्यू सीरियल्स विद गुड स्टोरी लाइन्स. हो सकता है कि वैसे स्टोरी लाइन्स चलते भी ना हो, दैट कैन ऑल्सो बी द फैक्ट. जब ऑडियंस ही लॉजिक देखना नहीं चाहती हो तो वॉट विल राइटर डू? दे विल ऑल्सो मेक वही सीरियल्स जो चलता है, जो लोग देखते हैं. एंड आई एम नॉट रेफरिंग टू एवरी वन, देर आर सम पीपल हु आर फेड अप ऑफ दिस एंड वॉन्ट टू सी सम स्टफ विच हैज डेप्थ एंड विच एक्चुअली मेक्स सेंस, बट यू कैन डिनाई दैट स्टिल मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर ऑब्सेस्ड विद करंट सीरियल्स का जॉनरे. एंड ये बिहेवियर उनका इस वजह से भी हो सकता है कि कई सालों से उन्हें ऐसी चीजें देखने मिल रही है तो अचानक से वाई देयर टेस्ट विल चेंज. एंड कुछ अलग देखना भी होगा तो कोई कुछ ज्यादा अलग बना नहीं रहा तो जो चल रहा है वही देसी. And also till the time these writers stick to their सास बहू का drama ना at school, they should really know their limits. ये जो physical condition या stammering के ऊपर जो drama create कर रहे हैं, they should actually know that they are crossing their boundaries by using such offensive dialogues. Like if your intention is to spread awareness about such things, then it can be done in other way also. All such nonsensical dialogues will only increase misconceptions. And ये सब serials की वजह से ना लड़कों को भी गलत message जा रहा है. Hurt your wife and she will love you more. This is the message that they are sending across. And stop portraying women scared, underconfident and dumb all the time. Ask any man about their girlfriends, they will say how scary we are to handle and we don't ask for permission, we declare. So woman ka jo image ye sare serials mein dikhaya ja raha hai, that needs to be fixed. So yeah, that's it for this video. Let me know your views on such serials. Do you also find all this disturbing and absurd? And if you want, you can follow us on Instagram, jiska link aapko description mein mil jayega. Aur ye video achi lagi ho to like and share kare aur ise aur updates ke liye channel ko please subscribe kare. Thank you.